अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मसारा व्लॉग्स। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो आज जो है, आज यहाँ पर है वेडनेसडे और सुबह हो चुकी है, फजर की नमाज़ हो चुकी है। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि रात में बहुत थक गई थी, जल्दी सो गई थी, तो ये जो ग्रोसरी ऑनलाइन आई थी ये मैं समेट नहीं सकी थी। तो चलो फिर लगे लगे हाथों मैं सवेरे सवेरे ये काम जो है अपना समेट लेती हूँ, क्योंकि फैली हुई चीज़ें ना बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने सबसे पहले इसको सारे सामान को जो है शॉपर से निकाला और तमाम शॉपर्स को जमा कर लिया, क्योंकि अभी जो है शॉपर्स का सीज़न आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और शॉपर्स की धूम मचने वाली है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये शॉपर जो है ये बकरा ईद में मेरे बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगे, अच्छे साइज़ के बड़े हैं। तो मैंने इन शॉपर्स को जो है जमा भी कर लिया, तमाम ग्रोसरी का सामान है इसको निकाला और अपनी अपनी जगहों पे तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने सेट कर दी। सुबह सुबह ये काम कर लो तो इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, तो अच्छा रहता है। उस सुबह के वक्त जो एक एनर्जी हमारे अंदर होती है ना, वो हमें सारे काम करने में बहुत हेल्प देती है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह जो है। आज मैं आपके साथ यहाँ पे ये शेयर करूँगी कि मैं बिना ओवन के पतीले में बिल्कुल बेकरी जैसा अच्छा सा केक कैसे बेक कर लेती हूँ। तो वैसे मैंने मसारा किचन में कई बार ये बातें बताई हुई हैं, दिखाई हुई हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर डिटेल पर दिखा दूँ। तो चले फिर, ये जो है ये मेरे पास एक स्पेयर पतीला है, बेकार मतलब घर में जो बेकार क्रॉकरी होती है ना उसमें आपने करनी है, क्योंकि ये बेकिंग के बाद ये काम की नहीं रहती है। तो एक काम करते हैं, इसको पलट के एकदम फोकस इसी पे करते हैं। पतीला मैंने ले लिया है, इसमें जो नमक जो है देखिए इतना नमक, ये अगर एक बार सॉल्ट यूज़ हो जाता है ना तो मैं इसको शॉपर में रख के सेव कर लेती हूँ। मैं इसको फेंकती हूँ कि मैं बार बार इतना ही सॉल्ट जो है इसमें ऐड करूँ। तो इसको जो है अच्छे से इसमें लेयरिंग लगा देनी है। देखिए मैंने इतना सॉल्ट इसमें तकरीबन नहीं कुछ तो ये 1.5 कप तो ये सॉल्ट है ही है। तो इसको सेव कर लें और उसी को यूज़ करें, बार बार न्यू सॉल्ट ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा काम हो जाता है। इसमें जो है इस तरीके से बर्तन रखने वाला जो स्टैंड होता है वो रख दिया। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आपने क्या करना है, कोई भी स्पेयर पतीला है या प्लेट है स्टील की जो भी है उसको रख दें, और उस इसको रखने के बाद मैं इसको यहाँ पे कवर कर दूंगी और ढक्कन जो कवर जो है इसका ऐसा है कि ये बिल्कुल इसको कवर कर लेगा। और इसको जो है मैं मीडियम फ्लेम पे रहने दूंगी हीट होने, जब तक मैं केक की प्रिपरेशन करती हूँ या पिज़्ज़ा केक जो भी मैं बनाती हूँ उसकी प्रिपरेशन में करती हूँ, इतनी देर तकरीबन आधा घंटा भी इसको जो है प्री हीट होने देना है। तरीका है, इसी तरीके से मैं घर में जो बेकिंग करती हूँ और वो इतनी परफेक्ट और इतनी अच्छी होती है। तो चलिए जी, आज मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन आपको बिल्कुल क्लियरली किया है। बहुत दिनों से जो है मीठा नहीं बनाया था और आपको जैसे पता है कि मैं जो हूँ वो स्वीट लवर हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक मीठा बना लिया जाए, और जैसे कि बादशाह सलामत आए हुए हैं तो क्यों ना उन्हीं का मीठा बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है एक ट्रैफल बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी जो है वो मुझे आपसे शेयर भी करनी थी। ईद आ रही है तो मैंने सोची थी अच्छी सी परफेक्ट सी इंस्टेंट सी रेसिपी है तो क्यों ना मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है दूध लिया हुआ है, उसे गर्म कर लिया, उसके बाद उसमें 4 खाने का चम्मच चीनी डाल के उसको जो है मैंने मेल्ट किया। अब यहाँ पर रफान का देखिए कस्टर्ड पाउडर, तो मेरे पास पिस्ता फ्लेवर का कस्टर्ड है, तो मैंने ये जो है 1/2 कप फ्रेश मिल्क में उसको 2 टेबल स्पून जो है मैंने कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से घोल के स्मूथी सा जो है यहाँ पे पेस्ट रेडी कर लिया है। और इसको जो है यहाँ पे दूध और चीनी जो मैंने पका के रखी हुई है उसमें इसको ऐड करूँगी और यहाँ पे इसका जो है अच्छा सा मैं एक थिक सा कस्टर्ड जो है वो रेडी कर लूँगी। जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए उतनी, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मैंने इसी ले लिया था क्योंकि मुझे कस्टर्ड का थोड़ा थिक सा चाहिए। ईद में सब घरों में मीठा बनता है, ट्रेडिशन तो सवैयाँ शिरकोरमे तो हम बनाते ही बनाते हैं, इसके साथ लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सा मीठा जो है बन जाए तो क्या ही बात है। उसके साथ मैंने यहाँ पे आम काटने स्टार्ट कर दिए हैं और मैंने कहा चलो जी लगे हाथों जो है कस्टर्ड इधर तैयार हो रहा है, और साथ ही साथ मैं किचन में आम भी कट कर लेती हूँ इसके साथ, और इसको एक मज़ेदार सा यहाँ पे ट्रैफल जो रेडी कर लूँ। यहाँ पे कस्टर्ड देखे रेडी हो चुका है और इतनी थिकनेस ही बस काफ़ी थी इस ट्रैफल के। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ईद की सुबह सुबह आप नमाज़ के बाद जो है इसको बना के फ्रिज में रख दें और इसको जब ठंडा ठंडा सर्व करें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। गोश्त की डिशेज़ खा खा के ना इंसान का दिल चाहता है, कुछ क्रेविंग होती है मीठा कुछ फ्रूटी खाने का, तो बेस्ट रहेगा ये कस्टर्ड ये ट्रैफल खाने के लिए। तो बहुत ही ईजी सिंपल सी रेसिपी है, हर कोई इसे बना सकता है। तो मैं जब इसको घर में जब भी बनाती हूँ ना ये थोड़ा सा भी नहीं बचता है और सारे के सारे जो हैं इसको बहुत ज़्यादा घर में पसंद करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने झटझट मैंगो कट कर लिया है और ये मैंने बनाया है मार्बल केक, एकदम सॉफ्ट है, इसकी लेयर मैंने लगाई हुई है। इसकी रेसिपी देखनी है मसारा किचन पे, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। मार्केट के केक में सोडा इस कदर होता है ना कि वो टूटने लगता है ट्रैफल में, तो मैं जब भी बनाती हूँ ना मैं ये घर में ही ये केक बनाती हूँ। तो चले जी, केक के लेयरिंग के बाद मैंने कस्टर्ड मैंगो की लेयर लगाई और उसके बाद कस्टर्ड और फिर मैंगो, तो इस तरह से मेरा ट्रैफल जो है यहाँ से तैयार हो गया। इसको सेटल करने के बाद अब मैं जो हूँ केक के ऊपर से इसको डेकोरेट अच्छा सा कर। देखें आप केक कितना सॉफ्ट और यमी है ये केक।
चलिए जी, ट्रैफल देखिए कितना मज़ेदार बना था कि इससे आइडिया हो सकता है आपको कि इस पूरे बॉल में मैंने इसे बनाया था और अब बस इतना सा बचा है। तो इसको जो है मैं ख़त्म करने वाली हूँ, तमाम काम जो हैं मेरे ख़त्म हो चुके हैं और अब सबने ट्रैफल इंजॉय कर लिया है। अब जो है इतना सा जो बचा है तो इसको जो है मैं ही ख़त्म करूँगी। तो चलें फिर इसको करती हूँ मैं ख़त्म। एक जो है बिल्कुल बड़ा सा हेल्दी सा ये मैंने बाइट लिया है और इसको बाइट लेती हूँ। बहुत मज़ेदार है, एक दफ़ा चम्मच भर का बहुत टेस्टी है। इसके साथ ही जो अगर आपको आज का व्लॉग जो है आपको अगर हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।